नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्मदिवस मना रहे हैं तथा आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया था तथा आज इसको 150 वर्ष हो चुके हैं। इस 150 वर्ष में पता नहीं कितने लोगों ने जन्म लिया, व्यक्ति इस दुनिया से चले गए। कोई डॉक्टर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, कोई खरपति अरपति होंगे, पर उनका नाम इस दुनिया में नहीं है। आज भी हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी क्वालिटी थी तथा आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उनमें क्वालिटी थी तथा किस मकसद के लिए वो जिए थे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी थी स्वामी विवेकानंद जी में, कि उनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनका अपने आप में बहुत ज़्यादा ही विश्वास था। जब वो शिकागो गए तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही कहा, प्यारी बहनों और भाइयों, वैसे यूएसए में एक ट्रेंड है कि वहाँ लोग कहते हैं डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय कल्चर को आगे करते हुए कहा कि प्यारी बहनों और भाइयों। तो उसके बाद उन्होंने जो लेक्चर दिया पूरे कॉन्फिडेंस से, तो उसका प्रभाव ये बना कि वह दुनिया के उच्च कोटि के स्पिरिचुअल एजुकेशन को देने वाले बन गए। तो यह सब कुछ हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो हमें स्वामी विवेकानंद जी से सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखना पड़ेगा जब हम उनकी बुक्स को स्टडी करेंगे। तो दूसरी बात है जो स्वामी विवेकानंद में थी वो थी कंसंट्रेशन पावर। स्वामी विवेकानंद में बहुत ही हाई कंसंट्रेशन पावर थी, जिस चीज़ को वो देख लेते थे, सुन लेते थे तथा पढ़ लेते थे वो उनके दिमाग में याद हो जाती थी सिर्फ एक बार। तो इसके लिए एक घटना भी है कि स्वामी विवेकानंद जी एक दिन लाइब्रेरी में गए, वहाँ से कुछ किताबें लेके आए तथा दूसरे दिन वापस कर दी। तो जो किताबें देने वाला था उनसे पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी क्या आपने इसको पढ़ ली है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हाँ पढ़ भी ली है और मुझे इसका एक एक अक्षर याद भी हो गया है। तो इतने महान विद्यार्थी थे वो। तो जो लाइब्रेरी का इंचार्ज था उन्होंने टेस्ट लेना शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। उन्होंने कोई पेज खोला और उसमें से बताया कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सब कुछ बता दिया जो उस पेज में लिखा हुआ था। तो ऐसी उनकी कंसंट्रेशन पावर थी, हमें स्वामी विवेकानंद जी से कंसंट्रेशन पावर सीखनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी जो बात मुझे अच्छी लगती है कि स्वामी विवेकानंद में सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। वो हमेशा ही सोचते थे मुझे सत्य को जानना है, इसलिए वो हमेशा कहते थे भगवान कहाँ है, किसने देखा है, मैंने भी भगवान को देखना है। तो वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं भगवान को देख रहा हूँ जैसे तुमको देख रहा हूँ। उनके ऊपर उनका इतना विश्वास था कि उनके जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी का एक ही उद्देश्य था कि रामकृष्ण जो मिशन है ये चलना चाहिए तथा जिस शिष्य की, जिस स्टूडेंट की अपने मास्टर, अपने टीचर में इतना फेथ होगा वो दुनिया में सक्सेस तो होगा ही। तो हमें भी स्वामी विवेकानंद जी से क्वालिटीज़ को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम उनको एक महान ट्रिब्यूट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।